क्या आप मानते हैं कि क्रिमिनल्स की लाइफस्टाइल को ग्लैमराइज करके परसेंट करने की वजह से सोसाइटी का क्रिमिनलाइजेशन हो सकता है? क्या बीते दशकों में कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट में क्राइम के एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता क्रिएटिव वर्ल्ड क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई करने का काम कर रहा है? ये सवाल है जिनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। तो आज हम आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति की सच्चाई लेकर सामने आए हैं जो कानून की नजरों में एक क्रिमिनल था, जबकि सोसाइटी के गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच वो किसी देवदूत की तरह सम्मान रखता था। हम बात कर रहे हैं अपने जमाने में मुंबई पर राज करने वाले वरदराजन मुदलियार की, जिसने बहुत ही छोटी सी उम्र में मुंबई के वीटी स्टेशन पर एक कुली के तौर पर काम करके अपने जीवन की शुरुआत की। फिर एक समय वो भी आया जब इसने इसी मुंबई शहर पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। आखिर कुली से लेकर किंग बनने के बीच कैसा रहा वरदराजन मुदलियार का सफर, हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो हमारा साथ आखिर तक आप जरूर निभाइए। अपने चाहने वालों के बीच वरदा भाई के नाम से फेमस वरदराजन मुदलियार अपने लोगों के बीच जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल कर चुका था। फेमस फिल्म मेकर मणिरत्नम ने साल 1987 में वरदराजन के जीवन पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था नायकन। इसे दीपावली के दिन रिलीज किया गया। इस फिल्म में जबरदस्त एक्टर कमल हासन ने लीड रोल प्ले किया। इस फिल्म ने अपने समय में बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया और अच्छी कमाई भी की। इस फिल्म में निभाए गए किरदार की वजह से कमल हासन को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। लेकिन ये उनके जीवन पर बनी कोई इकलौती फिल्म नहीं है। आने वाले समय में और भी कलाकारों ने पर्दे पर वरदराजन के जीवन को जिया। फिल्मकारों ने वरदा भाई के जीवन पर और भी कई फिल्में बनाई, जैसे दयावान जो साल 1988 में आई। इस फिल्म में लीड कैरेक्टर दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना ने निभाया। इसके बाद साल 1991 में दक्षिण भारत में मलयालम भाषा में एक फिल्म आई अभिमन्यु, जिसकी कहानी की पटकथा वरदराजन के जीवन पर आधारित थी। इसके बाद 2010 में आई फिल्म वंस अपॉन ए टाइम मुंबई भी वरदराजन के रियल लाइफ कैरेक्टर के लाइफस्टाइल पर ही बेस्ड थी। गुलाम भारत में तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आने वाले तूतीकोरिन में 9 अक्टूबर सन 1926 को वरदराजन मुदलियार का जन्म हुआ। बचपन तो ठीक था, लेकिन काम धंधे के सिलसिले में साल 1945 में वरदराजन ने मुंबई में कदम रखा। आज के महाराजा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन को उस समय वीटी स्टेशन के नाम से जाना जाता था, और इसी वीटी स्टेशन से वरदराजन ने मुंबई में अपने सफर की शुरुआत की। यहाँ उन्होंने एक कुली के तौर पर काम करना शुरू किया। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, उससे पहले नए व्यूअर्स से हम कहना चाहते हैं कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वरदराजन खुद गरीब था, लेकिन उसका दिल बड़ा ही अमीर था। स्टेशन के बाहर मौजूद बाबा बिस्मिल्लाह शाह की दरगाह पर वो अक्सर गरीबों को खाना खिलाया करता था। लोगों के बीच अपनी जगह बनाने में वरदराजन कामयाब हो रहा था। 1950 के शुरुआती समय में प्रदेश के तत्कालीन सीएम मोरारजी देसाई ने शराबबंदी कानून लागू किया। इस कानून के लागू होने के बाद प्रदेश में अवैध रूप से शराब की बिक्री का काम काफी जोरों से चलने लगा। अब तो वरदराजन का संपर्क भी अवैध रूप से लिकर का कारोबार करने वाले लोगों से हो गया, और उसने इस काम में हाथ पांव चलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने पुलिस की नजरों से बचाकर लिकर को एक डीलर से दूसरे डीलर तक पहुंचाने का काम शुरू किया। उस समय मुंबई में ये काम मुथु के जिम्मे था, मगर बीमारी के चलते मुथु ने अपने इस काम को कुछ हद तक कम कर दिया। इसका पूरा फायदा वरदराजन ने उठाया और उसने पूरी मुंबई के लीकर ट्रांसपोर्ट के काम को संभाल लिया। लेकिन बहुत जल्द ही वरदराजन ने थॉमस कुरियन को अपने साथ लिया और शराब के ट्रांसपोर्ट के काम में आगे बढ़कर शराब की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी सेलिंग का काम भी करने लगा। वरदराजन उन दिनों लोगों के बीच मद्रासी गैंगबाज के नाम से फेमस हो रहा था। साल 1955 के आते आते मुंबई में हाजी मस्तान ने भी अपने आप को अपराध की दुनिया में एस्टैब्लिश कर लिया। हाजी मस्तान सोने की स्मगलिंग का काम किया करता था, और इसमें उसे भकिया ब्रदर्स का साथ मिला। सोने की स्मगलिंग करने के लिए डॉकयार्ड में काम करने वाले मजदूरों के बीच हाजी मस्तान ने अच्छी खासी पैठ बना ली। लेकिन अब उसे ये बात समझ में आ गई थी कि आगे इस काम को करने के लिए और मुंबई में अपने पैर जमाने के लिए उसे बड़े पैमाने पर मसल पावर की जरूरत पड़ेगी। हाजी मस्तान भी वरदराजन की तरह तमिलनाडु से मुंबई आया
मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपनी किताब लिखने वाले हुसैन जैदी ने अपनी किताब डोंगरी टू दुबई में इस बात का जिक्र किया है कि हाजी मस्तान और वरदराजन की पहली मुलाकात कब, कहां और कैसे हुई। ये वो समय था जब वरदराजन मुंबई के कस्टम डॉक्स पर छोटी मोटी चोरियां किया करता था। ऐसी ही एक एंटीना चोरी के मामले में उसे पुलिस ने अरेस्ट किया और उससे काफी कड़ाई से पूछताछ की, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। इस बात की जानकारी जब हाजी मस्तान को लगी तो हाजी मस्तान उसे अपने गैंग में शामिल करने के लिए बेचैन हो गया। वो खुद ही सफेद गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया और लॉकअप में वरदराजन के पास पहुंचकर उससे तमिल में बोला, वणक्कम थलाइवर। तमिल में थलाइवर कमांडर या चीफ को कहा जाता है। अपने लिए हाजी मस्तान से इस तरह के शब्द सुनने के बाद वरदराजन भी प्रभावित हुआ। इसके बाद हाजी मस्तान ने पुलिस और वरदराजन के बीच एक समझौता कराया और वरदराजन को अपने साथ काम करने के लिए मना लिया। इसके बाद हाजी मस्तान के जरिए वरदराजन की मुलाकात करीम लाला से होती है और फिर यहीं से मुंबई में एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्राइम की शुरुआत होती है जिसे आने वाले कई दशकों तक इन तीनों ने लीड किया। इस काम को इतने सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता था कि इन तीनों ने पूरी की पूरी मुंबई को ही तीन हिस्सों में बांट लिया। साउथ मुंबई का काम करीम लाला देखा करता था जबकि सेंट्रल मुंबई हाजी मस्तान के कंट्रोल में थी। ईस्ट और नॉर्थ सेंट्रल मुंबई का काम वरदराजन मुदलियार के हाथ में था। यहां वरदराजन ने डॉक्स कार्गो में चोरी से अपना काम शुरू किया, लेकिन आगे चलकर वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और नार्कोटिक्स से रिलेटेड क्राइम भी करने लगा। 1980 के बाद कुछ सालों तक इन तीनों का आपराधिक साम्राज्य मुंबई में बड़े ही व्यवस्थित तरीके से चलता रहा और इसकी वजह है एक वो रूल था जिसका पालन इन तीनों ने किया। ये तीनों कभी भी एक दूसरे के एरिया में ना तो इंटरफेयर करते थे और ना ही आपस में वायलेंट गैंग वार किया। ये तीनों अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। वरदराजन की पब्लिसिटी और पॉपुलैरिटी तमिल कम्युनिटी में इतनी ज्यादा हो गई थी कि अब वो लोगों के व्यक्तिगत मामले सुलझाने लगा। उसने अपनी पैरेलल कोर्ट शुरू की और उस कोर्ट में लोगों के मामलों में फैसले देने लगा। कोई भी उसके फैसलों के खिलाफ नहीं जाता था। मुंबई में बेसिकली माटुंगा और धारावी में रहने वाले तमिल समुदाय के लोग वर्धा को किसी भी तरह भगवान मानते थे और वर्धा भी अपनी काली कमाई का एक हिस्सा इन लोगों की मदद के लिए खर्च कर देता था। वर्धा का एक नाम काल बाबू भी था। मुंबई की मैगजीन के कवर पेज पर वरदराजन की तस्वीरें छपने लगी। अपनी किताब डोंगरी टू दुबई में हुसैन जैदी लिखते हैं कि पुलिस भी वरदराजन के इलाके में कदम रखने से पहले उससे परमिशन लिया करती थी। अगर वरदराजन को किसी पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर से मिलने जाना होता था तो उस ऑफिसर की टेबल पर पहले शराब का एक काला गिलास पहुंच जाता था। इसके बाद उस पुलिस स्टेशन में मौजूद तमाम पुलिस स्टाफ वहां से चला जाता था और पुलिस ऑफिसर से वरदराजन के इस तरह की मुलाकात हुआ करती थी। ये वो दौर था जब मुंबई में मौजूद इन तमाम अपराधियों के पास इतने रिसोर्सेज और दौलत हुआ करती थी कि वो पुलिस वालों को भी अपने साथ मिला लेते थे। इतना ही नहीं, अपने पैसों के दम पर उन्होंने राजनेताओं को भी अपने साथ मिला लिया था। अगर कोई पुलिस वाला ज्यादा ही ईमानदार निकला तो उसे पॉलिटिकल प्रेशर देकर चुप करा दिया जाता था। साल 1974 से लेकर 1977 के बीच DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के अंतर्गत वरदराजन को जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन ये उसकी पॉलिटिकल बैकिंग और लोकल सपोर्ट ही था कि उस पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ और वो बाहर आ गया। उस दौर में वर्धा की पैठ बड़े बड़े लोगों के बीच थी। साल 1983 में जब इसकी बेटी की शादी हुई तब उस शादी में बड़े बड़े कलाकारों और लोगों के साथ साथ तमिलनाडु के एक्स चीफ मिनिस्टर MG रामचंद्रन और उनकी वाइफ भी शामिल हुई। लेकिन वर्धा के काले साम्राज्य का बहुत जल्दी सूर्यास्त होने वाला था। साल 1984 में कोफी पोसा यानी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट के अंतर्गत 47 लाख से अधिक रुपए के स्मगलिंग के मामलों में वर्धा की गिरफ्तारी को रिकमेंड किया गया। वर्धा की गिरफ्तारी के साथ साथ थॉमस कुरियन उर्फ खाजा भाई और मोहिंदर सिंह विच उर्फ सोमा को अरेस्ट किया गया। राजनीतिक आकाओं की वजह से छोड़ दिया गया वर्धा के साथ पहली बार नहीं हुआ ये, लेकिन इस बार वर्धा का सामना पुलिस ऑफिसर YC पवार से होने वाला था जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को साइडलाइन करके भी क्रिमिनल्स को उनकी सही जगह पर पहुंचा दिया करते थे। देखते ही देखते वरदराजन का पूरा साम्राज्य समाप्त हो गया। उसे वापस तमिलनाडु भागना पड़ा
तमिलनाडु में ही 2 जनवरी 1988 को हार्ट अटैक के चलते वरदराजन की 61 साल की उम्र में मौत हो गई। हाजी मस्तान ने अपने वादे के मुताबिक वरदा भाई की डेड बॉडी को इंडियन एयरलाइंस के प्लेन से मुंबई मंगाया, जहां धारावी, माटुंगा और साइन में बड़ी संख्या में लोग उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। तो आपका वरदराजन के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।